हाय, माय नेम इज विकास चक्रवर्ती। इस सेशन में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड है? पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट में से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में है क्या, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल है क्या। अब देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है। आफ्टर डूइंग देयर द ग्रेजुएशन सबीर सजेस्ट टू हिज क्लासमेट डेविड टू फॉर्म ए पार्टनरशिप टू सेल लो कॉस्ट स्कूल यूनिफॉर्म टू द स्टूडेंट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप हु हैव बीन एडमिटेड टू द प्राइवेट स्कूल ऑफ द सिटी एज पर द प्रोविजन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब यहाँ तक क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सबीर एक ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपने फ्रेंड डेविड से क्या कहता है कि एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किस चीज़ का, स्कूल यूनिफॉर्म का सेल करने का, और उसके लिए उन्होंने किसको किया और किस ग्रुप को करना चाहते हैं जिनकी इनकम लो इनकम वाले हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, प्राइवेट स्कूल को सिटी एज पर द प्रोविजन फॉर राइट ऑफ एजुकेशन, जो राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट के को फॉलो करते हुए उन्होंने किया। अब इतने तक तो थी। अब क्या है कि डेविड, अब इसके आगे क्या कहता है, डेविड एग्री टू द प्रपोजल एंड रिक्वेस्ट टू एडमिट हिज फ्रेंड चारू। अब डेविड एक और पार्टनर को एडमिट करना चाहता है जिसका नाम क्या है, चारू। ओके, ए विजुअली हैंडीकैप्ड अनएम्प्लॉयड पर्सन आल्सो टू बी द मेंबर ऑफ द प्रपोज्ड फर्म। उन्होंने एक प्रपोज किया कि इसको, वो एक्चुअल में क्या है, वो जो चारू है वो क्या है, हैंडीकैप्ड पर्सन है जो अनएम्प्लॉयड भी है, और उसने प्रपोज किया किसके लिए, पार्टनरशिप के लिए। अब ये तो तीन पार्टनर हो गए, कौन कौन हो गया, सबीर हो गया, डेविड हो गया एंड चारू। All of them agreed to form the partnership from, but they were not having the enough capital to invest. अब इनके पास ये तीनों नहीं थे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एक पार्टनरशिप तो बन गया लेकिन इनके लिए इनफ कैपिटल नहीं थी जो वो इन्वेस्टमेंट कर सके किसमें, अपने बिजनेस में। ओके, तो सबीर देयर फॉर द प्रिस्क्राइब, यानी सबीर ने प्रिस्क्राइब किया किसके लिए, एक अपने और एक फ्रेंड के, इज द रिच फ्रेंड ऑफ हिज रफीक हु from Assam to be the partner and contribute the required capital. अब उसने एक और फ्रेंड को किया, किसको किया, रफीक को, जो आसाम से बिलोंग करता है और जो कंट्रीब्यूट कर सकता है, जो रिक्वायरमेंट कैपिटल है बिजनेस की। अब इसमें क्या हुआ, all of them from the partner of the following term, और सभी ने पार्टनरशिप हमें following term से किया। तो अब यहाँ पे क्या था कि पहले सबीर थे, फिर डेविड हुआ, फिर चारू और फिर रफीक। अब उनकी जो क्या क्या टर्म्स हैं ये देखते हैं। पहला टर्म क्या था इनका, सबीर विल बी कंट्रीब्यूटेड 1 लाख, डेविड 50,000, रफीक 10 लाख एंड चारू विल बी पार्टनर विदाउट कैपिटल। अब चार पार्टनर में सबीर ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है 1 लाख रुपीज एंड डेविड ने 50,000, रफीक ने 10 लाख एंड चारू विल बी पार्टनर विदाउट कैपिटल। चारू पार्टनर है लेकिन विदाउट कैपिटल। तो प्रॉफिट विल बी शेयर इक्वली, इन्होंने प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल रेशियो, यानी प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है इनकी, 1:1:1 का, यानी इक्वली है। और फिर थर्ड कंडीशन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट अलाउ कर रहे हैं, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ था कैपिटल उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, 5% के हिसाब से। द प्रॉफिट फॉर द फर्म For the year ended 31st March 2014 where rupees 1,50,000, इनकी जो profit थी वो कितने की थी, 1,50,000 का, year ending 31st March के। अब क्या उन्होंने क्या किया, पहला क्या करा, identify क्या करना है, any 4 values which account to you the motivated them to form the partnership firm। इनको identify करने, इनकी values बतानी है। और B part में क्या करा है, prepare profit and loss and preparation account for of the year of the firm for the year ended 31st March 2014, और इनके जो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करना ईयर एंडेड का। अब इनकी जो वैल्यूज के हिसाब से, इनकी क्या क्या वैल्यूज हो रही हैं, अब इनके जो वैल्यूज हैं कौन कौन सी हो सकती है, पहला क्या, सेंसिटिव टुवर्ड द स्टूडेंट बिलोंग द लो इनकम ग्रुप। इन्होंने किसके के इफेक्ट डाला हुआ है कि जो जिनका लो इनकम ग्रुप वाले जो पर्सन है उनके स्टूडेंटों के लिए उन्होंने बिलोंग कर रहे हैं। सेकंड क्या है, सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009
नहीं, इन्होंने राइट ऑफ एजुकेशन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके बेसिस पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड थर्ड क्या कह रहा है, सेंसिटिव टुवर्ड द डिफरेंट एवर इंडिविजुअल, जो इनके जो पार्टनर है जो चारू है वो एक्चुअल में क्या हैंडीकैप्ड है उसको भी उन्होंने क्या कर रहे हैं वहाँ पे सपोर्टिंग रोल कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग द एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी टू पीपल फ्रॉम द डिफरेंट एरिया ऑफ द कंट्री। और ये इन्होंने डिफरेंट एरिया ऑफ द कंट्री में भी इन्होंने क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं किसको, पीपल को। एंड फिर क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट, ये तो चार इनके वैल्यू थे और भी कई वैल्यू हो सकती हैं। अब इन्होंने और फिर क्या कर रहे हैं, सेकंड पार्ट में क्या बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो मैंने पहले से किया हुआ है समझाने के लिए, अब देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है इन्होंने प्रॉफिट कितना बताया है, 1,50,000। तो यहाँ पे देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कहां से हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, कितने किए हैं वो यहां पे 1,50,000 की। अब इसके बाद नेक्स्ट किया है यहां पे, यहां इन्होंने क्या किया है कि इनका जो फर्स्ट कंडीशन था ये क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं कितना परसेंट, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। कंट्रीब्यूट जिन्होंने किया था, किसने किसने कंट्रीब्यूट किया था, सबीर ने किया था, डेविड ने किया था एंड रफिक ने, चारू ने कोई कैपिटल इंट्रीब्यूट ने किया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा, जिन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो अब देखिए जो सभी की कैपिटल कितनी थी, 1,00,000 की थी, तो 1,00,000 का 5% कितना हुआ, 5,000। डेविड ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, 50,000। डेविड के कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट थी वो 50,000 थी, तो डेविड के कैपिटल पे 50,000 का 5% 2,500। एंड रफिक ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, रफिक ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया 10,00,000 रुपीज, तो 10,00,000 का 5% हो गया 50,000, यानी टोटल ऐड किया जाए तो 57,500 रुपीज इनकी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अगर 1,50,000 में से 57,500 को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे रफली कर देता हूँ, 1,50,000 माइनस 57,500, तो कितना आया था, 92,500। ये क्या हो गया, इनकी रिमेनिंग प्रॉफिट आ गई, जो इनके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट होगा किससे, इन्होंने प्रॉफिट से रेशियो क्या बताया, इक्वली, यानी चार पार्ट में जो डिवाइड बाई फोर करते थे, ईच पार्टनर कितना मिलता है, 23,125 रुपीज ईच पार्टनर को मिल रहा है, ठीक है। तो अब इनको प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं किसको, पार्टनर्स के कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन है, पार्टनर सबीर कैपिटल, सबीर है, डेविड है, चारू है एंड रफीक है। तो अब इन्हीं को डिवाइड किया, तो यहां क्या, प्रॉफिट ट्रांसफर टू सबीर कैपिटल, डेविड कैपिटल, रफीक कैपिटल एंड चारू कैपिटल। तो रफीक को यहां मिला, सबीर को कितना मिला, 23,125, डेविड को भी सेम अमाउंट 23,125, रफीक को भी 23,125 एंड चारू को भी कैपिटल कितना मिला है, 23,125। यानी जो चारों की जो कैपिटल थी वो कैपिटल क्या थी, कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला हुआ था तीन को, और रिमेनिंग जो प्रॉफिट थी उसको किसमें डिवाइड किया था, इक्वल रेशियो में। तो इस टाइप से ये प्रॉब्लम आए कि किस हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक। अब इसके बाद और भी इससे रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।